आज हम लोग कटहल का कोफ्ता बनाएंगे। पहले हम लोग कटहल को काट देंगे। इसको कुकर में 2 सीटी तक भापने देंगे हम लोग, उसके बाद उतार लेंगे। कटहल को भाप लिए हैं और इसको इस तरह से मैंने काट दिया है। इसको हम लोग बेसन के साथ मिक्स करेंगे और मसाला भी डालेंगे। मसाला में हमने मिलाया है अदरक, लहसुन, जीरा गोलकी और ये नमक स्वाद अनुसार। हल्दी डालेंगे। इसको हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको पूरी तरह से हमने बेसन में मिला दिया है। अब तेल में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको रंग बदलते तक हम लोग फ्राई करेंगे। अब हम लोग इसको पलट देंगे दूसरा साइड पकाने के लिए। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब हम लोग इसे उठाएंगे। कहाँ पे उठाएंगे? अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और प्याज को फ्राई करेंगे। इसे हम ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसमें हमने तेज पत्ता भी डाला हुआ है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डाला है हमने। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम कोफ्ता डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए उबालने देंगे। और ये हमारा रेडी हो चुका है कटहल का कोफ्ता। अब शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।